गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वी आर डूइंग अवर थर्ड चैप्टर एडिशन ऑफ नंबर्स. टुडे वी विल स्टार्ट अवर न्यू एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 3.5. दिस एक्सरसाइज इज प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन, मीन्स स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन आर देयर, यू हैव टू सोल्व दैट वन. सो योर फर्स्ट क्वेश्चन एंड फर्स्ट पार्ट MCQs आर देयर, बट दीज आर ऑल्सो स्टेटमेंट क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन इज अ मिल्कमैन सप्लायर 4,357 bottles and 3,256 bottles of the milk in two booths. Your question is, how many total number of bottles of milk did the van supply? For example, beta, there are two milk booths. And this is your van, and this van supplied milk bottles. In this van, bottles, milk bottles are there, and this van supplied in this first booth 4,357 bottle of milks. Clear? In the second booth, this van supplied 3,256 bottles of milk. How many total number of milk bottles the van supply? Means, इस वैन ने इन दोनों बूथ्स में कितनी टोटल नंबर बोतल जो है वो सप्लाई करी है, ये वैन यहाँ पे दे के आया है. टोटल नंबर, टोटल मीन्स यहाँ पे आपको इन दोनों क्या करना पड़ेगा, एड. क्लियर बेटा? सो यू हैव टू राइट डाउन द आंसर स्टेटमेंट ऑल्सो इन दिस क्वेश्चन. Bottle supplied in first booth is equal to how many bottle in first booth? 4,357 bottles. And bottles supplied इन सेकेंड बूथ पे कितनी बोटल सप्लाई करी, दे के आया वो वैन 3,256. नाउ हाउ मैनी टोटल नंबर ऑफ बोटल्स, सो यू हैव टू राइट डाउन हेयर इन द थर्ड लाइन, टोटल बोटल्स सप्लाइड, टोटल कितनी बोतल सप्लाई करी. सो फर्स्ट बूथ पे आपका था 4,357 एंड सेकेंड बूथ पे 3,256. वट वी हैव टू डू, वी हैव टू एड दीज टू. पूछा है ना दोनों में कितना दिया, दोनों में टोटल मीन्स. सो 7 + 6 = 13, राइट डाउन 3 हेयर एंड 1 कैरी. Now 5 + 5 = 10 and 1 of carry 11. So write down 1 here and 1 carry. Now 3 + 2 = 5 and + 1 = 6. यहां पे कोई carry नहीं गया, only आपके पास क्या है 4 + 3 = 7. So what are these? ये क्या आ गया आपका 7,613 क्या है? किसको ऐड किया था आपने? बोटल्स. सो दीज आर बोटल्स इन बोटल्स दैट वैन सप्लाइड इन टू बूथ्स. क्लियर बेटा फर्स्ट क्वेश्चन? सो बेटा अवर आंसर इज 7,613. सो फर्स्ट योर ऑप्शन इज 7,361, सेकेंड इज 7,631. हेयर 61 7,361 and here 7,631 and this one C part is your answer. So put here right 7,613 bottles. Clear beta? So this one is C part is your answer. Now beta, your first question second part is a factory produced
2,248 ट्वाइस इन वन वीक एंड 3,562 ट्वाइस इन नेक्स्ट वीक. हाउ मैनी ट्वाइस द फैक्ट्री प्रोड्यूस्ड इन द टू वीक्स. फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर ट्वाय फैक्ट्री. इन दिस फैक्ट्रीज सो मैनी ट्वाइस आर मेड. सो इन फर्स्ट वीक हाउ मेनी वीक्स आर इन हाउ मेनी डेज इन ए वीक बेटा. 7 days means in first in one week factory produced how many twice beta. 2,248 twice in first week means in one week there are 7 days means in first 7 days the factory produced these twice and in the next week means in second or you can say next week the factory produced 3,562 twice. Clear beta? So question is how many twice the factory produced in 2 weeks. 2 weeks mein kitne twice produced kare. Produce means banaye. Factory mein kitne twice 2 weeks mein banaye gaye. So your answer statement is twice produced in 1 week is equal to 2,248 and in next line twice produced in next week is 3,562. देखो बेटा यहाँ पे टोटल वर्ड नहीं है. जैसे ऐड करने के लिए एक टोटल की पहचान होती है, आप टोटल वर्ड को देखते हो ढूंढते हो, तो यहाँ पे टोटल वर्ड है ही नहीं. देखो उसमें हाउ मैनी ट्वाइस द फैक्ट्री प्रोड्यूस्ड इन 2 वीक्स टोटल वर्ड नहीं है. तो पर पूछा क्या गया हाउ मैनी ट्वाइस कितने ट्वाइस फैक्ट्री ने प्रोड्यूस्ड किए 2 वीक्स में. इसका मतलब है वो आपसे 2 वीक्स में जो टोटल ट्वाइस प्रोड्यूस किए टोटल ही पूछ रहा है 2 वीक्स में कितने ट्वाइस बने हैं. So write down here total twice produced is equal to first write down 2,248 and in next row 3,562. पहले की कई वीडियोस में बताया जा चुका है आपको कि आपने जो ऐड करना स्टार्ट करना है अपने वंस प्लेस से स्टार्ट करना है. वंस पे फिर टेंस पे आना है फिर 100 पे एंड देन 1,000 पे. स्टार्ट फ्रॉम हेयर योर राइट हैंड साइड 8 + 2 दैट इज 10. राइट डाउन 0 हेयर एंड 1 कैरी. इन नेक्स्ट 4 + 6 4 + 6 इज 10 एंड 1 ऑफ कैरी 11. Write down 1 here and 1 again carry. 5 + 2 7 and 7 + 1 8. यहां कोई कैरी नहीं गया आपके पास. सो 2 + 3 ओनली 5. सो फैक्ट्री ने 2 वीक्स में 5,810 ये क्या आ गया आपके पास. दीज आर ट्वाइस इतने ट्वाइस प्रोड्यूस करे फैक्ट्री ने 2 वीक्स में. क्लियर बेटा. रही बात स्टेटमेंट्स की, ये स्टेटमेंट्स आपको कैसे बनानी है, आपको सिर्फ इन्हीं को थोड़ा सा इधर उधर करना है बेटा, चेंज करना है थोड़ी सी क्वेश्चन की स्टेटमेंट की सेंस बन जाए. जैसे ट्वाइस प्रोड्यूस्ड इन 1 वीक फैक्ट्री लिखने की जरूरत नहीं है भाई. क्वेश्चन में आपको पता है कि फैक्ट्री नहीं बनाए हैं. सो आप इसके ट्वाइस प्रोड्यूस्ड इन 1 वीक मैंने अपनी लाइन से कोई भी सिंगल वर्ड नहीं ऐड किया, वो ये है ट्वाइस प्रोड्यूस्ड इन 1 वीक. नेक्स्ट लाइन में सेम वही बनती है, थोड़ा सा चेंज होता है इन 1 वीक. इन नेक्स्ट रो ट्वाइस प्रोड्यूस्ड इन नेक्स्ट वीक. फिर आपसे जो पूछा जा रहा है टोटल ट्वाइस, आप सिर्फ यहाँ पे टोटल ट्वाइस भी लिख सकते हो या फिर टोटल ट्वाइस प्रोड्यूस्ड इन 2 वीक्स भी लिख सकते हो. सो नाउ एड. क्लियर बेटा. सो योर ऑप्शन इज इन दिस सेकेंड पार्ट इज 8,510. दिस वन बी पार्ट इज योर आंसर
So tick on the B part. Clear? बेटा थर्ड क्वेश्चन में फर्स्ट थर्ड पार्ट यू हैव टू ट्राई योर सेल्फ. दिस क्वेश्चन इज नॉट डिफरेंट, सेम एज लाइक फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर सेकेंड. अ सोप फैक्ट्री प्रोड्यूस्ड 3,251, 2,456 and 2,378 soap cakes in 3 days. Means एक फैक्ट्री soap cakes means साबुन, जैसे आपके पास for example लक्स साबुन है. So in 3 days में first day इतने साबुन बनाती है फैक्ट्री, second day इतने साबुन, and in third these 2,378 soap cakes. So your question is how many soap cakes were produced in all 3 days. Mean in 3 days how many soap cakes were produced by a factory. So in first day how many soap cakes? 3,251. In second day 2,456 soap cakes. And in third day 2,378 soap cakes produced by a factory. So in solution statement what you have to write down? Soap cake produced means manufactured, बनाए जाते हैं. Soap cake produced first day how many soap cakes? 3,251. Same in the second line, same statement. Soap cakes produced second day how many? 2,456. And in third row 3 days का, 4 days का, 5 days का, किसी कितने भी days का, only 2 days का, किसी के बारे में भी question दिया जा सकता है. आपको सिर्फ ये देखना है इस question में करना क्या है. 7, 8 फर्स्ट डे में इतने बनाए, सेकेंड डे आपके पास इतने soap cakes बनाए और थर्ड डे दीज. सो नाउ क्वेश्चन इज हाउ मैनी soap cakes वर प्रोड्यूस्ड इन ऑल इन तीनों दिनों में कितने बने. सो यू हैव टू राइट डाउन द टोटल soap cakes प्रोड्यूस्ड इन 3 days. In 3 days. So write down here 3,251. In next 2,456. And in last 2,378. Now you have to add these three. Can you add this? So you have to do this one question yourself. And what will be the answer? These are soap cakes. Clear it? You can easily do these questions. Question number third is, 2,345 people visited an exhibition on Monday. 2,468 on Tuesday and 3,229 on Wednesday. How many peoples in all visited the exhibition during the 3 days? Exhibition बेटा means प्रदर्शनी, जैसे a collection of things you have to show. जैसे कि पीछे आपकी स्कूल में भी लगती रहती हैं, जब आप जैसे मॉडल बना के लाते हो तो अपने जो आप मॉडल्स को शो करते हो वो दिखाते हो, that is your exhibitions. So
देर इज ए एग्जीबिशन वेयर द पीपल गो एंड विजिट. सो ऑन मंडे दीज पीपल्स विजिटेड द एग्जीबिशन. ऑन ट्यूजडे दीज पीपल्स एंड ऑन वेडनेसडे दीज पीपल गो एंड टू सी द एग्जीबिशन. सो योर क्वेश्चन इज हाउ मैनी पीपल्स ऑल विजिटेड इन द एग्जीबिशन इन 3 days. 3 days में कितने बंदों ने उस एग्जीबिशन को विजिट किया. क्लियर है बेटा. सो आंसर स्टेटमेंट इज सेम लाइक दिस. यू टू राइट डाउन दिस लाइन एज इट इज. पीपल विजिटेड एन एग्जीबिशन ऑन मंडे. सो पीपल विजिटेड एन एग्जीबिशन ऑन मंडे. हाउ मेनी पीपल्स विजिट बेटा. दीज आर दिस वन 2345. एंड इन द सेकेंड रो सेम लाइन. पीपल विजिटेड एन एग्जीबिशन हेयर ऑन मंडे. इन द सेकेंड रो ऑन ट्यूजडे हाउ मेनी पीपल्स. दीज आर 2468. एंड इन द थर्ड रो राइट डाउन पीपल विजिटेड एन एग्जीबिशन ऑन वेडनेसडे. वेडनेसडे को कितने लोग देखने गए. दीज आर 3229. Now, how many people visited in all? So, total people visited in 3 days. So, you have to add these three numbers. First is 2345. Second is 2468. And third is 3229. Nine. Now add this. This one is 5 + 8 = 13, and 13 + 9 = 22. Write down 2 here and 2 carry. Add second column. 4 + 6 = 10, 10 + 2 = 12, and 2 of carry. 14. Write down 4 here and 1 goes carry on the 100th place. So 3 + 4 = 7, 7 + 2 = 9, and plus 1 of carry 10. Write down 0 here and 1 again carry on the 1000th place. Again add this row, this column. 2 + 2 = 4, 4 + 3 = 7, and 1 of carry 8. So, in these 3 days, 8042, these are people. 3 दिनों में इतने आदमी एग्जीबिशन को विजिट करने के लिए गए. आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस क्वेश्चंस बेटा. सो डू दिस दीज थ्री क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 1, 2, क्वेश्चन नंबर 3. फर्स्ट क्वेश्चन 3 पार्ट्स आर ऑल्सो देयर. फर्स्ट सेकेंड थर्ड पार्ट यू हैव टू डू इन योर फेयर नोटबुक. एंड सेंड पिक्स टू मी ऑन माई पर्सनल नंबर. क्लियर टू ऑल. सेंड पिक्स. इट इज कंपल्सरी टू ऑल. थैंक यू.